और आइए अब रुख करते हैं दूसरी अहम खबर का। बलात्कार के आरोप में फंसे आसाराम के बेटे नारायण साई की अग्रिम जमानत पर आज सूरत में सुनवाई होनी है। सूरत पुलिस का दावा है कि आरोप लगाने वाली बहनों को धमकाने की भी कोशिश की गई है। पुलिस अब ये बात आज अदालत में भी बताने जा रही है। आसाराम से पुलिस अब पीड़िता के सामने पूछताछ की तैयारी में है, लेकिन आसाराम के बेटे फरार नारायण साई का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस का कहना है कि आसाराम पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। आसाराम ने बीती रात मर्दानगी का टेस्ट देने से भी इनकार किया। आसाराम ने पूछताछ के दौरान आरोप लगाने वाली सूरत की बहनों को पहचाना है और माना है कि आश्रम में दोनों बहनें आया करती थी, लेकिन इस बात से इनकार किया है कि उनसे उन्होंने कोई भी आपत्तिजनक हरकत की थी। हम आपको बता दें कि 15 अक्टूबर को हुई सुनवाई में सरकारी वकील ने अग्रिम जमानत अर्जी के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए समय मांगा था। सूरत की दो बहनों ने आसाराम और नारायण साई पर रेप का आरोप लगाया है। इसके बाद से नारायण साई गायब है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। गिरफ्तारी से बचने के लिए नारायण साई ने अग्रिम जमानत की अर्जी भी दाखिल की है, जिस पर सुनवाई आज अदालत में होनी है। पिटीशन डाल रहे हैं और कोर्ट के ऑर्डर्स अवेटेड हैं। ये दिल्ली जो हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए गई है, उन्होंने हमें ये जानकारी दी थी, उसके बाद ये डेवलपमेंट हुआ है। जो भी नोटरी हैं उनके लड़के भी उनके साथ काम करते हैं, दोनों ने बयान दिया है और पूरा खुलासा किया है कि किस बैकग्राउंड में उनसे ये पिटीशन नोटराइज कराई गई। और इस अहम खबर पर ताजा अपडेट लेने के लिए आइए सीधे रुख करते हैं अहमदाबाद में मौजूद अपने संवाददाता जनक दवे का। जनक, क्या अभी भी आसाराम से पूछताछ की जा रही है? क्या बहनों और आसाराम को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी? पुलिस की तफ्तीश अब किस तरीके से आगे बढ़ रही है? देखिए इप्सिता, दोनों सूरत में और अहमदाबाद में, दोनों नारायण साई के फ्रंट पर भी सूरत पुलिस जांच पड़ताल तेज कर दी है। वहीं अहमदाबाद की बात करें, जहां आसाराम पहले ही अहमदाबाद पुलिस की गिरफ्त में हैं, उनके कल मेडिकल टेस्ट किए गए थे। कल पोटेंसी टेस्ट के लिए उनको सिविल अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं दिया। जो हमारे वहां के सूत्रों से बात हुई सिविल अस्पताल की, उन्होंने कहा कि वो कल से सहयोग नहीं करे। ऐसे में अहमदाबाद पुलिस के पास पोटेंसी टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो जोधपुर में जो कराया था उसी को वो मानकर इस जांच में सहयोग आगे बढ़ाएंगे। जहां तक पीड़िता से पूछताछ का सवाल है, आज वो पीड़िता को अहमदाबाद लाया गया है एटीएस दफ्तर में, दोनों की आमने सामने पूछताछ हो रही है। पुलिस के सूत्रों से जो जानकारी हमें मिल पा रही है उसके मुताबिक आसाराम और पीड़िता को दोनों को साथ में शांति वाटिका ले जाया जाएगा, जहां पर पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आसाराम ने उसके साथ बलात्कार किया, उस जगह पर उसको ले जाया जाएगा। वहां पर जो डेवलपमेंट अब दूसरा जो हुआ है नारायण साई के मोर्चे पर हुआ है, जहां सूरत पुलिस जांच कर रही है, एक नोटराइज को उन्होंने हिरासत में लिया है और जो नोटरी उन्होंने फाइल की थी पहली बार वो पूरी तरह से फर्जी थी। उस मामले में कोर्ट को गुमराह करने की बात कहते जो सीपी हैं सूरत के राकेश अस्थाना, उन्होंने नोटराइज से पूरे स्टेटमेंट लिए और आगे की जांच बढ़ाई है। इप्सिता।